हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप एनओएस बोर्ड के लर्नर हैं और आपने पहले कभी भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप अक्टूबर नवंबर में अपना दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो आपका एग्ज़ाम पास आउट नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इस वीडियो को देख के आप घर बैठे ही अपनी एग्ज़ाम फीस को ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनओएस बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी एग्जाम फीस है कौन कौन सी डेट को पे होनी है और कैसे पे होगी और कितनी पे होगी। सबसे पहले आपने जो एनओएस बोर्ड की जो वेबसाइट है sdmis.nas.ac.in वहां पे जाना है और नीचे जो लिंक हमारे दिए हुए हैं उस पे अपने इंपॉर्टेंट लिंक पे जाके क्लिक करना है। उसके नीचे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है वहां पे जाके अपने क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद जो नया इंटरफेस खुलेगा वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जाम फीस सबमिशन फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज ऑफ अक्टूबर नवंबर 2024 लिखा हुआ है। वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो एनओएस बोर्ड का नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन एनओएस बोर्ड ने निकाला है 7 जून को। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो एग्जाम फीस की डेट्स हैं, अलग अलग डेट्स हैं, वो उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले एग्जाम फीस जो है 7 जून से पे होनी शुरू हो गई है कि इसका जो पोर्टल है ओपन हो चुका है, और इसकी जो एग्जाम फीस पे होगी 6 जुलाई तक विदाउट लेट फीस। कौन से लर्नर हैं जो इस एग्जाम फीस को पे कर सकेंगे? अभी जहां पे लिखा हुआ है ऑल लर्नर्स इनरोल इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 फॉर अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन और एलिजिबल लर्नर फॉर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड टू अपियर इन द अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट पहले एग्जाम दे चुके हैं वो भी स्टूडेंट जहां पे अपनी एग्जाम फीस पे कर सकेंगे, और जिन्होंने अभी एग्जाम दिया हुआ है अप्रैल का, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। किसी कारणवश कोई भी स्टूडेंट उसमें किसी सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो वो भी जहां इसी पोर्टल पे जाके अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकेगा। विदाउट लेट फीस की जो लास्ट डेट है 6 जुलाई है, आप इस डेट को जरूर याद रखें। इस डेट से पहले आपने अपनी एग्जाम फीस को पे करना है। उसके बाद लेट फीस शुरू हो जाएगी, 150 पर सब्जेक्ट की लेट फीस है। उसकी जो डेट है 7 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक है। उसके बाद कंसोलिडेटेड लेट फीस है 1600 रुपये पर लर्नर, मीन्स चाहे आपका एक सब्जेक्ट है चाहे आपके दो हैं या तीन हैं, तो 1600 रुपया लगेगा लेट फीस का। जो आपकी एग्जाम फीस होगी वो अलग से लगेगी और 1600 रुपया अलग से आपकी फीस लगेगी 17 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद नीचे एक नोटिफिकेशन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द एग्जामिनेशन फीस पेमेंट शेड्यूल फॉर द लर्नर रजिस्टर्ड फॉर द अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स एनओएस बोर्ड में अप्रैल 2024 में एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट जब आएगा उसके रिजल्ट आने के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम फीस की कौन कौन सी डेट्स है, आप कब अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकते हो। आपने इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया कि आपने कहाँ पे जाके ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। और नीचे लिखा हुआ है द लर्नर्स ऑफ द सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज मस्ट इंश्योर कंपल्सरी गैप ऑफ द 2 ईयर। जो 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको 2 साल का गैप जरूर होना चाहिए 10th के बाद, मीन्स यदि आपने 10th 2024 में की है तो आपके एग्जाम 2025 या 26 में कंप्लीट एग्जाम 2026 में होंगे। यदि पहले की हुई है 23 में की हुई है तो 25 में होंगे। उससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि आप पहले साल में कितने एग्जाम दे सकते हो, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है आप इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस बात का जरूर आपने ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि एनओएस बोर्ड में कितनी फीस लगेगी। एनओएस बोर्ड ने इस साल जो अपनी एग्जाम फीस है और प्रैक्टिकल की फीस है उसको इंक्रीज कर दिया हुआ है। वो कहाँ पे जाके हमने चेक करना है, हम वापस अपनी वेबसाइट पे चलते हैं जो एनओएस बोर्ड की है। इसको आपने दोबारा या तो नए सिरे से ओपन कर लेना है या इसको बैक फॉरवर्ड कर लेना है, ठीक है। बैक जाना है आपने। बैक करने के बाद अब हमने कहाँ पे जाना है, जहाँ पे नीचे और नोटिफिकेशन के नीचे अलग अलग टैब दिए हुए हैं एडमिशन प्रोजेक्ट और एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। अपने एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट पे जाके क्लिक करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो
राइट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है पे एग्जामिनेशन फी अक्टूबर नवंबर 2024, जहाँ पे जाके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जो एनवेस बोर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इन पॉइंट को रीड आउट कर लेना है। हम वन बाय वन ये पॉइंट को देखते हैं। यदि आपने सेल्फ ऑनलाइन एडमिशन की हुई है और अपने अपनी एग्जाम फीस को भी सेल्फ ऑनलाइन एग्जाम फीस को पे करना है, तो आपको ये वाले पॉइंट्स पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी पॉइंट बिना पढ़े अपनी एग्जाम फीस को पे कर देते हो तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपकी एग्जाम फीस जो है ब्लॉक हो जाएगी, आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो आप ऐसी गलती मत करें, आप इन पॉइंट को अच्छे से जरूर पढ़ें। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है लर्नर्स ऑफ द एनवेस रजिस्टर्ड इन द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज अंडर द स्ट्रीम वन ब्लॉक टू ऑफ द 2024 आर एलिजिबल टू पे द एग्जाम फीस। जो स्टूडेंट्स अप्रैल 2024 में एग्जाम दे चुके हैं, उससे पहले जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ है, उनका एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उसकी एग्जाम फीस पे कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, देयर इज नो नीड टू पे द एग्जाम फीस बाय द लर्नर ऑफ द एनवेस रजिस्टर्ड इन द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज अंडर द स्ट्रीम टू ऑफ द 2024। यदि आपने स्ट्रीम टू 2024 के लिए एग्जाम फीस पे करनी है, आपने स्ट्रीम टू में एडमिशन ले रखी है, तो स्ट्रीम टू में आपने एडमिशन ले रखी है, तो जब आपने एडमिशन की है तो आपने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा रीड आउट किया होगा। यदि नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्जाम फीस है, जब आपकी एडमिशन हुई थी उसमें आपकी एग्जाम फीस भी इंक्लूडेड थी, तभी आपकी जो एडमिशन फीस है इतनी ज्यादा लगी। तो आप दोबारा से एग्जाम फीस नहीं पे कर सकते, ना आपकी एग्जाम फीस दोबारा से पे होगी। तो आप वरिड मत हो, आपकी एग्जाम फीस पहले से पे हो चुकी है, ठीक है। आप अपनी एडमिशन को फोकस करें, आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हुई है तो वहां पे जाके स्टूडेंट लॉगिन में जाके अपनी एडमिशन के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है उसको चेक करें, यदि नहीं हुआ तो आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। इसका जो टाइम पीरियड होता है, नियर अबाउट 30 डेज के अंदर आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। ऐसे वन बाय वन नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, आपने उसको स्टडी कर लेना है जहाँ पे जाके। तो हम बात करते हैं कि कितनी एग्जाम फीस लगेगी। आप नीचे को हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम फीस लिखी हुई है। जो पहले एग्जाम फीस हुआ करती थी बहुत कम एग्जाम फीस थी, पर इस बार एनवेस बोर्ड ने आपकी जो पर सब्जेक्ट की एग्जाम फीस है उसको तकरीबन डबल कर दिया है। तो अब एग्जाम फीस कितनी है, एग्जाम फीस पर सब्जेक्ट पब्लिक एग्जाम के लिए ये देखो लिखा हुआ है सीरियल नंबर वन पे, आपकी 300 पर सब्जेक्ट की एग्जाम फीस लगेगी। उसके बाद जो एडिशनल फीस है पर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल वाली, वो कितनी कर दी है, 150 कर दी, वो भी इंक्रीज कर दिया है। पहले कम थी, अब उसने इंक्रीज कर दिया है। तो आप इस शेड्यूल के मुताबिक इतनी फीस ही आपको पे करनी होगी। और जैसे मैंने आपको लास्ट नोटिफिकेशन पढ़ के बताया है, वहां पे लेट फीस पर सब्जेक्ट की 150 है और कंसोलिडेट लेट फीस जो है 1600 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो पे होगी। नीचे जहाँ पे भी दिया हुआ है कि विदाउट लेट फीस की कौन कौन सी डेट्स हैं और विद लेट फीस की कौन कौन सी डेट हैं, कंसोलिडेट लेट फीस की कितनी डेट्स हैं। तो आप लेट फीस को अवॉइड करें, विदाउट लेट फीस के टाइम पीरियड में ही अपनी एग्जाम फीस को पे करें। कैसे पे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये चेक कर लिया कि डेट कौन सी है और एग्जाम फीस कितनी लगेगी, ये भी आपको पता चल गया। और लास्ट स्टेप आपका जो था कि आपने अपनी एग्जाम फीस को कैसे पे करना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन कहीं पे नहीं किया हुआ, आपने स्टूडेंट लॉगिन में नहीं जाना है, आपने sbmis.nis.ac.in वेबसाइट पे जाना है। वहां पे मैंने आपको बताया था कहाँ पे जाना है, एडमिशन के साथ एक लिंक बना हुआ है एग्जाम का, एग्जाम के अंदर पे एग्जाम फीस अक्टूबर नवंबर 2024 में क्लिक किया तो आपके सामने ये इंटरफेस खुला हुआ है। इसको नीचे को स्क्रोल करना है और नीचे जहां पे ये टैब पे जाके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो जहां पे प्रोसीड लिखा हुआ है, जहां पे आपने क्लिक करना है। जहां पे क्लिक करने के बाद जो आपको नया इंटरफेस दिखाई देगा, वहां पे एंटर योर 12 डिजिट एनरोलमेंट नंबर, नीचे जहां पे ये ब्लॉक बना हुआ है जहां पे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। हमने जहां पे एनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया और नीचे सबमिट बटन पे आपने जाके क्लिक कर देना है, तो आपकी जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। जहां पे लिखा हुआ है एग्जाम फीस सबमिशन अक्टूबर नवंबर 2024 एग्जामिनेशन,
आपका एनरोलमेंट नंबर भी लिखा हुआ है जो हमने अभी फिल किया है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम सारा लिखा हुआ है, और नीचे को स्क्रॉल करने के बाद फिल बिलो डिटेल्स, जो आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं, जहाँ पे दो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स, मीन्स कि इस स्टूडेंट का क्रेडिट कैरी केस होगा, ठीक है, तो दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। आपने यदि पांच सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो पांच सब्जेक्ट की फीस आपको पे करनी होगी, यदि छह रखे हैं या सात रखे हैं आप। फाइव सब्जेक्ट आपको जरूर जरूरी होते हैं पास करने के लिए एनओएस बोर्ड की तरफ से, और यदि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। जब आपने एडमिशन की थी तब आपने छह या सात सब्जेक्ट भी रखे होंगे, मीन्स एक या दो एडिशनल भी रखे होंगे। अब एग्जाम फीस को कैसे पे करना है, आपने क्या करना है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके सामने सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना है, माउस से जाके क्लिक कर देना है, और इसके नीचे भी एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, वो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए लिखा है, जो हमने लास्ट नोटिफिकेशन में भी आपको पढ़ के बताया था कि मिनिमम 2 साल का गैप आपका होना चाहिए, तभी आप एग्जाम फीस जो है सारे सब्जेक्ट की एग्जाम फीस पे कर सकते हो। कर तो सकते हो आप, एक सब्जेक्ट की, दो सब्जेक्ट की, मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो यदि आपका 2 साल का गैप नहीं है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की आप एग्जाम फीस भी नहीं पे कर सकते, यदि आप सारे सब्जेक्ट की एग्जाम फीस पे कर भी दोगे तो आपका जो एनरोलमेंट कार्ड है उसमें जो जो सब्जेक्ट दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो थ्योरी का हॉट टिकट आएगा वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस के 4 सब्जेक्ट होंगे। तो अपनी फीस को ऐसे वेस्ट मत करना, तो आपने 4 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है यदि आपका 2 साल का गैप नहीं बनता। हमने ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज खुलता है, जहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे एडिट सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, यदि आपने गलत सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं तो आप यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हो। मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, एडिट पे मैंने क्लिक किया, ये आपको लास्ट पेज पे ले गया, जहाँ पे आपने अनचेक करना है तो अनचेक कर सकते हो, यदि आपने इसको रिवाइज करना है तो रिवाइज भी कर सकते हो। फिर दोबारा सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप फिर उसी पेज पे आ जाओगे। जितनी भी फीस आपकी बनती है, देख रहे हो आप, 2 सब्जेक्ट की जो टोटल फीस बन रही है एग्जाम फीस, वो 750 बन रही है, इसमें जो थ्योरी की और प्रैक्टिकल की एग्जाम फीस है, और यदि आपने 5 सब्जेक्ट रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी, वो 2000 से अब ही बनेगी। उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 50 रुपीज ऐड होगी, तो टोटल फीस आपकी 800 यहाँ पे बन रही है, वहां पे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो आपने ये फीस चेक कर लेनी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जो आपने पे करने हैं, किसको, एनओएस बोर्ड को। तो आपने क्या करना है, नीचे पेमेंट गेटवे दिखाई दे रहे हैं आपको, यूबीआई, IDBI, HDFC, CSE, BOI, ये अलग अलग पेमेंट गेटवे हैं। आपने क्या करना है, आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम फर्स्ट प्रेफरेंस HDFC को देते हैं तो HDFC कर सकते हैं, UBI बैंक को देते हैं तो UBI को कर सकते हैं, IDBI को कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये लास्ट वाला CSE है, CSE सेंटर को हमने सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ये अनदर ऑप्शन है, और BOI को भी सिलेक्ट नहीं करना। जो पहले 3 दिए हो इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपने इनमें से 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। हमने इस जहाँ पे HDFC को सिलेक्ट कर लिया, और नीचे मेक पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नया इंटरफेस खुलेगा, आप देख रहे हो जहाँ पे खुल रहा है, तो आपको यहाँ पे विद लिखा हुआ है, तो पे विद पे जाके आपने क्या करना है, आपके पास ये 6 ऑप्शन दिखाई दे रही है, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको आपने सिलेक्ट कर देना है। ज्यादातर आजकल UPI चल रहा है तो UPI पे सिलेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे आप गूगल पे से, फोन पे से, भीम ऐप से, पेटीएम से, अमेजोन पे से, ऐसे जो भी आपका UPI ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप फीस को पे कर सकते हो। मान लो हमारे पास फोन पे का ऑप्शन है, तो हमने फोन पे पे जहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो जहाँ पे आपने अपना UPI ID डाल देना है, और डालने के बाद आपने वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जहाँ पे हम अपना UPI ID डाल देते हैं, ठीक है, ये UPI ID डाल दिया, जहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद ये देखो TKM ग्रुप ट्यूशन, जो हमारी फर्म का नाम है, उसका नाम आ गया, ठीक है। ये करंट अकाउंट है, आपका भी नाम जहाँ पे डिस्प्ले होगा जैसे ही आपका UPI वेरीफाई होगा, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है,
आपको फोन पे पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे जाके आपने अपना पिन है वो भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। ऐसे आप अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी स्टूडेंट के साथ, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको फीस पे करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपका डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा किसी वजह से तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमने एक ई सर्विस, शॉर्ट ई सर्विस भी बनाई हुई है जिसमें आप ओनली फॉर 99 रुपीज पे करके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वन टाइम के लिए जो फीस है वो आप कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके ये फैसिलिटी आप ले सकते हो। थैंक्स।